ये जो दिल्ली में इतनी घिनौनी हरकत, इतना जुल्म हुआ है लोगों पे, इनोसेंट लोगों के ऊपर, ये बिल्कुल बीजेपी आरएसएस के गुंडों की वेल प्लान्ड डिलिबरेट कॉन्शियस साजिश है। वो लोग जल भुन गए हैं कि उनको दिल्ली में दे हैव गॉट अ स्लैप ऑन देयर फेस, बुरी तरह हारे हैं, और उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, कपिल मिश्रा जैसे गुंडे, उनके एरिया में ये अपने गुंडों की आर्मी लेके अनपढ़ गवार लोग जो हैं, सड़क छाप लोग हैं, उन लोगों को लाके पुलिस की मदद के साथ ये लोग इतना जुल्म कर रहे हैं वहां पर। मालूम नहीं इन लोगों की तरबियत कैसे हुई थी, ये गुंडों के मां बाप ने इनको कैसे पाला था कि इतने घिनौने और इतने इवन इंसान निकले। एक छोटी बच्ची, अ बेबी, उसको एक हिंदू माँ बिलकती रही कि मेरे को मेरी बच्ची को उठा लेके जाने दो बाहर, तुम मेरा घर जलाना तो जला दो। इन हरामजादों ने वो उसको अपनी बच्ची को नहीं ले जाने दिया। इनको हमारी बद्दुआ लगेगी, पूरे भारत वर्ष की भारत माता की बद्दुआ लगेगी आरएसएस को, मोदी को, अमित शाह को। इन लोगों की सरकार डिलिबरेटली कर रही है बद्दुआ बद्दुआ बद्दुआ। ये डिस्कोर्स कंफ्यूज करने के लिए किया है। कितने दिन से एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे, पूरे देश में हो रहे हैं, कहीं भी उन्होंने एक टाइम भी वायलेंस नहीं की। वो लोग सुलझे समझे एक असूलन एहतजाज कर रहे हैं। वो लोग एक एक मकसद से अपने संविधान को बचाने के लिए, लेकिन ये लोग बीजेपी के लोग, ये सरासर निहायत गुंडे हैं, ये हिंदू धर्म के नाम पे गंदगी और गुंडागर्दी कर रहे हैं, वाहियात बातें कर रहे हैं, दे आर अनकल्चर्ड, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन पे धब्बा है, दे आर एन इंसल्ट टू इंडिया, एंड अमित शाह इज शेल्टरिंग देम। ये अमित शाह की प्राइवेट आर्मी है।